माथा टेक लिया है मणिकरण साहब, लंगर भी चख लिया है और सेवा कर लिया थोड़ी सी, तो अभी जहाँ से निकल पड़े हैं। तो आज हमने सोचा है एक ट्रैक करेंगे, मतलब जो ट्रैक आज स्टार्ट करेंगे और कल को ख़त्म होगा, मतलब आज पहुँच जाएंगे मे बी आगे, मतलब जहाँ पे इसका एंड है। बाकी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, इसके बाद पहली बार कर रहे हैं, आगे जाके देखना पड़ेगा अभी क्या सिचुएशन है, कैसे करना है, कैसे नहीं, कैसे वापस आना है। अभी जहाँ आगे किसी से पता करते हैं कैसे जाएंगे, लेट्स सी। तो बेसिकली जो हम वहाँ पे कबीला रुके थे, कबीला कैंप में, तो वो कह रहे थे कि तोश विलेज है एक, वहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स के ऑप्शन जाती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले तोश की तरफ जाएंगे। तो जो बेसिकली तोश है, एक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये पार्वती घाटी से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जो तोश है वो अपने प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रणवीर काफ़ी सारे ट्रैकिंग शुरू होते हैं यहाँ पे, जैसे खीर गंगा की यात्रा है, ठीक है, जो वहाँ पे कहते हैं कि गर्म पानी के झरने हैं, और भी काफ़ी सारे ट्रैकिंग के मार्ग हैं, जैसे पिन पार्वती पास और तोश ग्लेशियर। तो उसको हम देखते हैं, कि बाकी देखते हैं लोग वहाँ पे क्या कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो गाइस, ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल हमें यहाँ पे रास्ते में मिल गया था, एंड सोचा इसको भी कैप्चर कर लें। रणवीर भाई अभी जा रहे हैं वाटरफॉल से गुजरते हुए। लोकेशन बहुत अच्छी है भाई। काफ़ी जाम लग गया था गाइस जहाँ पे हमें, मैं अभी गाड़ियाँ निकाल कर आया हूँ, आगे पीछे आगे पीछे, बाइकर्स भी काफ़ी जा रहे हैं आगे। चलो भाई चलो, अब क्या हो गया, रास्ता बहुत तंग है गाइस, जहाँ पे बहुत नैरो रास्ता है, मतलब आगे जाके गाड़ी आ जाएगी तो मे भी साइड थोड़ा सा हमें देख के देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी जाम लग गया था बहुत काफ़ी, हम एक मतलब 20-25 मिनट पीछे रुके रहे। तोश ये जो है खीर गंगा, खीर गंगा ये भी स्टार्ट हो हैगा गया एक। गाइस पहुंच चुके हैं तोश विलेज, गाड़ी पार्किंग में खड़ा दिया, अब यहां से ट्रैक करेंगे। चलो चलते हैं भाई। तो गाइस तोश विलेज में हैं अभी, ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। हम जाएंगे यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रैकिंग करते हुए। वो कह रहे हैं अराउंड 3 to 4 आवर्स की जर्नी है टोटल ट्रैकिंग, और फिर ऊपर जाके स्टे करेंगे। तो देखते हैं अभी वहाँ पर माहौल क्या है, बाकी आपको दिखाते हैं ट्रैक पीछे। काफ़ी टाइम से विलेज में आ रहे हैं अभी, संकरा सा रास्ता है। चलिए जी, तो यह है तोस विलेज। ये है जी तोश विलेज, कसोल के ऊपर, मणिकरण साहब के आगे, और छोटा सा गांव है। जय भोलेनाथ।
देखो ये भी एक लाइफ है इनकी, जहाँ पे ये मजबूरी है इनकी। हम तो जहाँ पे अपने शौक के लिए अपने घूमने आते हैं, मतलब इनको तो ये काम करना ही पड़ता है। चलो क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कुछ और लोग भी जा रहे हैं आगे, कुछ आ भी रहे हैं, देखते हैं आगे जाके कितने लोग मिलेंगे। अभी तो गाइस ये देखिए पहाड़ों की खूबसूरती, कितने अच्छा सुंदर पहाड़ है। जब हम ऊपर पहुंचेंगे ना टॉप पे, तो ये और भी खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। फुल चादर से, सफ़ेद चादर से घिरा हुआ पहाड़ है। रणवीर भाई चलो। काफी थकाने वाला रास्ता है। बंद लग रहा है। वी हैव टू गो टू कुथला विलेज ब्रो। चल भाई।
गाइस देखो, हमने ना एक बात अपने नोट की होगी, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। हमें कोई मतलब कहीं कहीं कोई कोई मिल रहा है, अभी तक तो खास कोई बंद मतलब यहाँ पे क्राउड मुझे दिखा नहीं है। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। पहले भी तो हमने वो ट्रैक किए हैं, बहुत क्राउड ही होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। जहाँ पे बिल्कुल शांति सी है और रास्ता भी बहुत बढ़िया है, अभी तक पत्थर से नहीं आए, मतलब वो होते हैं ना मतलब पहाड़ों में पत्थर, अभी तक तो बढ़िया रास्ता। और मुझे तो काफ़ी, मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ ब्रो, काफ़ी प्लेन सा रास्ता है और ज़्यादा चढ़ाई नहीं है अभी, बट चलो अभी इनिशियल है, आगे चल के देखते हैं कैसा रहेगा। बट ये ज़रूर है कि यहाँ पे जो आप वातावरण और माहौल बहुत ही शांत और आनंदमय है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे जाके यार। ग्रेट। झरना निकलता हुआ, वाओ यार नाइस। पानी है ठंडा, ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल आपको बहुत मिलेंगे रास्ते में। अभी रास्ता ना थोड़ा सा मतलब पत्थर से आने स्टार्ट हो गए हैं, अभी थोड़े से मतलब आगे जाके देखते हैं ऐसी रास्ता है या अभी प्लेन है। लेकिन रास्ता अभी बढ़िया लग रहा है, लेकिन देखने के लिए देखते हुए तो देखते हैं अभी आगे क्या मिलता है अभी। हाँ भाई, रास्ता तो पथरीला आ गया, बट यार आप ये दृश्य देखो, कितने अच्छा लग रहा है ये पहाड़ बर्फ से ढका हुआ, अमेजिंग यार, कितनी शांति मिल रही है इसको देखते हुए। आगे देखो वाटरफॉल आ गया, चलो उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना काफ़ी लोग वाटरफॉल तक आके आगे यहाँ से वापस हो जाते हैं, बट कहते हैं इसके आगे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यूज़ हैं देखने लायक, और ट्रैक काफ़ी अच्छा है इसके आगे भी, हम आगे भी जाएंगे। चलो अभी फिलहाल वाटरफॉल के पास चलते हैं।
ब्यूटीफुल सा एक वाटरफॉल आ गया है। तो बिल्कुल तो वहाँ पे पहुँच गया, चलते हैं नीचे देखते हैं। लेकिन ना नीचे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब आप कहीं भी किसी भी वाटरफॉल पे जाएँ ना तो ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका मतलब पानी है ना किसी भी टाइम इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि पीछे बारिश होगी तो हमें पता नहीं चलेगा पहाड़ों पे, तो उनका पानी सारा यहीं पे आता है। तो बहुत चकन्ने रहने की ज़रूरत है जहाँ पर कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ जाएँ, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। तो गाइस बटरफॉल से आ गए हैं, तो अभी सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना जहाँ से, इसको पार करके जाना है हमने। अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे और देखते हैं आगे जाके। तो आगे हमें एक झरना और मिलेगा जो बेसिकली कैफ़े के रूम में उन्होंने बना रखा है और उसके ऊपर कैफ़े बना रखा है, और चलो वहाँ तक देखते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे झरने रास्ते में मिलते रहेंगे, तो लेट्स एंजॉय। सो ये है गाइस वाटरफॉल स्पॉट कैफ़े, और हम यहाँ पे भी थोड़ी देर वेट करेंगे, काफ़ी के थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ से कुटला, यहाँ से कुटला है अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता, तो वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, अभी देखते हैं। और भाई ने हमें बताया यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है, एंड भाई अभी हमें एक्समा के ला के देगा बॉइल्ड 40 रुपीज़ का एग, ठीक है चलो। थे बॉयल्ड एग्स जो आधे घंटे बाद आए हैं, ये है जी बॉयल्ड एग्स। आज वाटरफॉल के पास हम बॉयल्ड एग खाएंगे। कैसे है?